अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बेसन को भून रही हूँ। ये प्रसाद में प्रिपेयर कर रही हूँ। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे आएगा, तब तक जन्माष्टमी फिर भी है, जो मुहूर्त है वो नेक्स्ट 27 तक भी है। तो यहाँ पे 10:30 बजे मैं प्रसाद प्रिपेयर कर रही हूँ, बेसन का लड्डू एंड ये जो है धनिया का चूर्ण बनता है तो वो बना रही हूँ। धनिया को घी में भूनते हैं एंड इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स कट करके डालते हैं और जो शुगर है पिसा हुआ, जो चीनी है वो डालते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और बेसन के मैंने लड्डू बना लिए हैं और जो वो धनिया मैंने भुना था उसमें शुगर मिक्स कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्रसाद है वो रेडी हो चुका है और आई थिंक 11 o'clock हो गया था। उसके बाद मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आने के बाद यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे सारा कुछ पूजा की सामग्री वगैरह रख रही हूँ और सब कुछ रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 12 बजे के करीब हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं सारे लोग मिलके, घर के सभी लोग। हम घर में 4 लोग हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने भी घर में अपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया होगा और कृष्ण जी की पूजा की होगी घर में। एवरी डे वैसे तो हमें दिया जलाना चाहिए और जिस दिन कुछ स्पेशल होता है उस दिन हमें स्पेशली भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये हम छोटा सा केक लेके आए थे तो ये भी हमने कट किया था क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जो है जन्मदिन है। तो ऐसे ही बच्चे कह रहे थे तो हमने कहा ठीक है केक भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मोर लेके आई थी, तो शाम को मैं मार्केट गई थी तो यहाँ पे मोर पंख में लेके आई थी और कृष्ण जी की जो ये छोटी सी मूर्ति है वो भी लेके आई थी मैं, और पालना में नहीं लेके आ पाई थी तो मैं नेक्स्ट ईयर पालना भी लेके आऊँगी, इस ईयर नहीं ला पाई। तो यहाँ पे सब पूजा की तैयारी हो रही है और अब हमने यहाँ पे पूजा जो फूल है वो डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ये जो वाइट वाले फूल मैंने रखे हैं कान्हा जी के पास में, ये मैंने छत पे लगाया हुआ है। इसको पता नहीं चमेली कहते हैं क्या कहते हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो ये हमारे टेरेस का है वाइट वाला फूल, और ये जो गेंदा और ये गुलाब का फूल है ये मार्केट से मैं लेके आई थी। तो कान्हा जी की डेकोरेशन जितनी अच्छी करें उतना अच्छा लगता है, काफ़ी फूलों से सजाया जाता है। बट मैं लेट मार्केट गई थी तो फ्लावर्स वगैरह जो है वो बहुत कम थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही फ्लावर लेके आई थी और इतना ही इनफ भी था। कान्हा जी की जो मूर्ति थी वो थोड़ी छोटी सी थी तो इतने फूल में अच्छे से डेकोरेशन हो गया था। यहाँ पे जो फल है वो मैं चढ़ा रही हूँ भगवान को, और यहाँ पे जो कुकुम्बर जो खीरा होता है, यहाँ पे बेटा और हस्बैंड बैठे हुए हैं और जो खीरा होता है वो स्पेशली भगवान को आज चढ़ाते हैं। और इस तरीके से जो तुलसी का पत्ता है वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मली हम पूजा करते हैं वैसे पूजा कर रही हूँ मैं, और कुछ एक दो पत्ते जो हैं वो मैंने कलश में जो पानी था उसमें डाल दिया था, और यहाँ पे प्रसाद भगवान को चढ़ा रही हूँ। तो ये कान्हा जी के लिए मैंने लड्डू बनाया था वो, और ये जो चूर्ण बनाया था ये पंजीरी इसको कहते हैं आई थिंक, तो ये पंजीरी थी। और इस तरीके से पूजा जब भी हम करते हैं तो मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। पूरे फैमिली के साथ आप पूजा करते हैं तो और अच्छा लगता है, और जैसे भगवान को हम सजा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में मंदिर जो है। और कृष्ण जो छोटे से कृष्ण थे वो फूलों से मैंने काफ़ी अच्छे से सजाया था तो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो इस तरीके से हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए हमने पूजा की, और उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से आप सभी लोगों ने भी किया होगा। और इस तरीके से 12:10, 12:15 हो रहे थे मेरे ख्याल से, 12:10, 12:15 हो रहे होंगे, और आधे घंटे में हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई थी। और यहाँ पे देखिए ज़ूम करके मैं दिखा रही हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं, और
ये फूलों के बीच में ऐसे लगता है कि बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसी तरीके से आप सभी लोग अपने हर फेस्टिवल को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते रहें। यही गॉड से मेरी प्रेयर है कि हर इंसान खुश रहे अपने फैमिली के साथ, और अच्छे से रहिए, आप लोग मिलजुल कर रहिए, हर फेस्टिवल को मिलजुल कर सेलिब्रेट कीजिए। तो यहाँ पे लग नहीं रहा था कि 12 बज रहे हैं, क्योंकि हम 12 बजे अब यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ सबको। तो ये बेटा है मेरा। तो इस तरीके से हम जब भी पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सब दिया कपूर ये सब जलाते हैं तो बहुत अच्छा और खुशबू भी आती है, एक पॉजिटिविटी भी आती है। यहाँ पे जो बेटी है वो केक कट करके कान्हा जी को खिला रही है, कह रही थी कि मम्मी हम केक कट कर लेते हैं, वेट कर रही थी। मैंने कहा ठीक है खिला दो। तो इस तरीके से एंड में हमने केक कट किया और कान्हा जी को खिलाया, उनका जन्मदिन था, बर्थडे था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।